हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टूडे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे फिर और इस वीडियो का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे कि आपका अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और हमारे चैनल में रेगुलर बने रहें। जितने भी नए फ्रेंड्स हैं, प्लीज जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति होती है। आपको आंसर देने के लिए कम से कम 3-4 सेकंड मिलेंगे। तो हमारा अनुदैर्ध्य हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान उड़ता है। तो ध्वनि के चाल से अधिक चाल से पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो सबसे तेज ठोस में चलती है, उसके बाद द्रव में चलती है, उसके बाद गैस में चलती है। तो सबसे ज्यादा ठोस में चलती है। और हमारा अगला क्वेश्चन, अवश्रव्य तरंगों की प्रवृत्ति होती है। तो अवश्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। 20, तो हमारा ए सही हो जाएगा। एक पराश्रव्य तरंगे हो जाता है जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, और एक श्रव्य तरंगे होता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, और जिसमें मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगे ही सुन सकता है जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पराश्रय तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, मतलब कौन से वैज्ञानिक थे वो सबसे पहले उत्पन्न किए थे? तो गाल्टन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो यह डेसिबल से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो यह तारत्व के कारण होता है, और एक तीव्रता होता है दो, जो जो तेज या धीमी सुनाई देती है, और एक गुणवत्ता होता है जो ध्वनियों में अंतर होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर ध्वनि सुन व्यक्ति सुन नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? तो यह 90 डेसिबल हो जाएगा। 90 डेसिबल आंसर सही है, ऑप्शन डी। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि को सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो यह 17 मीटर होता है। इसको फीट में चेंज करेंगे तो 56 फीट हो जाएगा दोस्तों, 56 फीट हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सोनार अधिकतम प्रयोग में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नव संचालकों द्वारा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगला क्वेश्चन है, गुजहीन हाल का अनुकरण काल होता है। तो यह 0 सेकेंड होता है, अनुरण काल जो होता है वो 0 सेकेंड होता है गुजहीन हाल का।
और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो यह ध्वनि से हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? आवर्त तरंग होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा ध्वनि चाल ठोसों में होती है, तो लकड़ी ठोस है तो लकड़ी में हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। तो निर्वात में नहीं चल सकती है। प्रकाश वाले में बताया गया होगा कि सबसे ज्यादा प्रकाश निर्वात में ही चलती है, लेकिन ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है? तो 60 डेसिबल होता है। और हमारा अगला प्रश्न है, निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण को कहते हैं? इसे सोनार कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? यहाँ पे दोस्तों तीव्रता रहेगा तो डेसिबल से। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायु का तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का तीव्रता मापी जाती है? तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, तो आवृत्ति हो जाएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों, मेघ गर्जना सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा दोस्तों। और हमारा वीडियो देखने